अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, और आज हम आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मिस अरीबा को, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं बहावलपुर से, और इन्होंने एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी की है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। 6 ईयर तो एक्सपीरियंस है इनका एज सोशल एक्टिविस्ट और ऑनलाइन कंसल्टेंट फॉर साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिसमें आपसे हम बात करेंगे आज बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो मिस अरीबा, वेलकम टू फकरे वकालत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वालेकुम असलाम जी। फ़ख्रे वकालत के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी पुराना है। एज अ राइटर हम फ़ख्रे वकालत के साथ जुड़े हुए हैं और आज हमें मौका मिला है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर को आपके साथ डिस्कस करने का। जी बिल्कुल, तो अपने आपको थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप कौन कौन से केसेस को डील करती हैं और कहाँ कहाँ आपने अपना एक्सपीरियंस लिया, या कैसे कैसे आपने अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया। मैंने 2020 2 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने कुछ अर्सा मैंने इंटर्नशिप की। यहाँ हमारे भावलपुर में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, शुकुर माइंड केयर। मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने क्लिनिकल सेक्टर, जो मैंने सबसे ज़्यादा जहाँ पर काम किया है वो मैंने काम किया है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है अबासिया हॉस्पिटल, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल ज़्यादा बोलते हैं भावलपुर में। उसमें मैंने क्लिनिकल सेक्टर में जो है वहाँ पर साइकाइट्री डिपार्टमेंट में काम किया। हम डेली बेसिस पर डिप्रेशन के, एनजाइटी के और जो है एपिलेप्सी के और बहुत सारे जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके पेशेंट्स हम देखते थे। और उसके बाद फिर जब मेरी वहाँ से ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं उसके साथ साथ भी और अब भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरे पास मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनमें जिन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लाइफ स्ट्रेस इश्यूज भी होते हैं उन्हें सर, कुछ लोगों को एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और जो है स्किजोफेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी और। ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स वो आते हैं जो अपने लाइफ के स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, या कोई ऐसा आ जाता है जिसके साथ कोई अब्यूसिव सिस्टम हो, कभी कुछ हुआ हो, अब्यूज का कोई मसला हुआ हो और उसके दिल में कोई डर हो, कोई ट्रॉमा हो। इस तरह के क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जिनके साथ हम डिफरेंट जो है वो सेशंस करते हैं और उसमें हम डिफरेंट थेरेपीज का इस्तेमाल करके उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया, उसमें कोई ऐसा केस आया हो जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो कि हाँ, ये पेशेंट जो है इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसी से रिलेटेड मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए जी जी बाइपोलर डिसऑर्डर्स को भी एक्सप्लेन करिएगा कि एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते क्या है, और हमारी जो जनरल आवाम है उसको कैसे इसको डील करना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। उसमें मेरे पास एक केस आया था, वो काफी वो था, एक सेकेंड, वो था ड्रग अब्यूज वाला केस। उसमें सब्सटेंस यूज बहुत ज्यादा था, वो काफी डिफिकल्ट केस था हमारे लिए एक टाइम पे, क्योंकि उसके अपने घर का एक पर्सन ही उसको उस चीज के ऊपर लगा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही थी। जिसकी वजह से उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ी। फिर जब तक हम उस चीज तक पहुंचे कि उस पर्सन को हम डिटेक्ट कर सकें जो उसे उस चीज की डोज प्रोवाइड कर रहा है, जब तक वो काफी सेवेरिटी पे चले गए थे। लेकिन शुक्र है वक्त रहते हमें पता चल गया और हमने उस चीज को जो है कम करवाया उसके फैमिली के जरिए, और वो काफी सेटल डाउन हो गया और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो एक हेल्थी लाइफ अपनी जिंदगी में जो है वो गुजार रहा है। आ जाते हैं बाइपोलर बिल्कुल, डिसऑर्डर के ऊपर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है जी, कंटिन्यू करें आप। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको जिसको जो है हम पीरियड्स में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, या बेटर नॉन अगर इसको बताया जाए तो एपिसोड्स में हम इसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर मूड डिस्टरबेंस होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो पर्सन के मूड को, उसकी थॉट्स को और उसके बिहेवियर को
काफी ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है और ये क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट होता है। ये लाइफ लॉन्ग एक जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यू है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं, और फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जिसके जरिए जो है वो हम पर्सन को जो है वो हेल्थी वे में ट्रीट कर पाते हैं। ऑलराइट। अब आ जाते अब हैं हम मुझे इसके सिम्टम्स पे। मिस्टर रिबा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसकी बेसिकली एज जो, मतलब एक इंसान की एज होती है कि इस एज से लेकर ये इस एज तक शुरू हो सकता है या खत्म हो सकता है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या, आपका एज रेशो आप क्या देखती है? फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल पर्सन में ज्यादा होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, और कौन सी एज से ये स्टार्ट होता है? देखिए ये जो है ना जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, वो हम 18 ईयर्स से अबव ही पहले तो हम जो है उसको जज करते हैं, ऑलराइट। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स जो जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं, जिसमें ऑटिज्म आ जाता है, जिसमें ADHD आ जाता है, जिसमें बाइपोलर डी आ जाता है। मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको चिल्ड्रन में भी अगर किसी में बाइपोलर इश्यू है तो उसका भी जो है ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऑलराइट। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेजर डिफरेंस रखते हैं। इसमें दो तरह की टाइप्स शो होती है, एक डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं, एक मेनिया एपिसोड होते हैं। दोनों एपिसोड्स के अलग अलग जो है वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, जी मुझे ये बताएं कि इसमें बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अभी एक इंसान को नहीं पता कि वो इस मर्ज में मुब्तला है, तो वो कैसे अपने आप को डिफाइन करेगा? उसमें कौन सी पहली पहली मैं सिम्टम आपको होगी, एक्सप्लेन दूसरे करती हूँ। सिम्टम कौन से है? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज के ऊपर। हम जब इसके सिम्टम्स देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले उससे सवाल करना स्टार्ट करते हैं, क्या आपको कोई एपिसोड्स होते हैं? क्या ऐसा होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए आपके साथ आपकी कंडीशन जो है वो खराब होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सही हो जाती है? जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो फिर हम उनसे सवाल करते हैं। अगर हम डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है। इसको मेजर डिप्रेसिव बाइपोलर भी कहते हैं, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी कहते हैं। ये एक या एक से ज्यादा बार जो है वो ऑकर होता है किसी भी पर्सन के अंदर। ठीक है, और जो बाइपोलर 2 है वो भी जो है डिप्रेसिव के सिम्टम्स भी होते हैं, उसमें मेनिया भी होता है, हाइपोमेनिया भी होता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि सबसे पहले इंसोमेनिया और हाइपरसोमेनिया, यानी नींद का ना आना, बिल्कुल ना आना, या नींद का बहुत ज्यादा आना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फिर अनएक्सप्लेन और अनकंट्रोल क्राइंग कंडीशन, मतलब एकदम से बैठे बैठे रोना स्टार्ट कर देना और बहुत ज्यादा रोना, कोई मतलब कोई रीजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी उस रीजन के पर्सन में रोना ये शुरू कर कंडीशन आ देना, रही। थोड़ा चिड़चिड़े हो जाना और थोड़े अपने आप को बेचैन और परेशान महसूस करना। मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों का ड्यूरेशन क्या होता है? कौन कितने टाइम तक ये चीज अगर जारी रहती है तो वो स्वीयर में चेंज हो जाएगी, और अगर जारी होके खत्म हो जाती है तो उसके क्या चांसेस होते हैं? देखिए, इसके डिफरेंट जो है वो चांसेस होते हैं। पहले हम इसकी जो है मैं ये एक्सप्लेन कर दूं आपको, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी बाकी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलराइट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है दूसरों चीजों के अंदर, आपका पेशेंस काफी कम हो जाता है, आपको बार बार जो है वो सुसाइडल थॉट्स आती हैं, रिकरेंट थॉट्स, डिप्रेसिव एपिसोड्स जब चल रहे हैं। उसके बाद मेनिया एपिसोड्स हैं, मेनिया एपिसोड्स में एटलीस्ट 7 डेज तक ये चीज आती है। मेनिया एपिसोड्स में मैनिक एपिसोड्स वो होते हैं जिसके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, आपको हेलोसिनेशंस या डिल्यूजन होते हैं। हेलोसिनेशंस और डिल्यूजन्स क्या होते हैं कि आपको लग रहा है आपके सामने कोई बैठा है और आपसे बातें कर रहे हैं, आप उसको देखकर हंस रहे हैं, आपको लगता है आप अपने आप में बैठे बातें करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, और आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि आपके पास कोई है और आप उससे अपनी बात जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
ऑल फिर राइट सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ जाती है, नीड कम हो जाती है। थोड़ा सा ये इस चीज को एक्सप्लेन करिएगा कि ये ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स में होता है या जी एक्सट्रोवर्ट्स में होता है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वही ज्यादातर ख्याली दुनिया में पाए जाते हैं। ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। ये इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट दोनों में से किसी ना किसी को भी हो सकता है। इनकी रेशियो दोनों में से तकरीबन एक जैसी होती है। अगर एक्सट्रोवर्ट पर्सन है ना, तो उसको भी ये कंडीशंस आ सकती हैं, और इंट्रोवर्ट को भी आ सकती है। सही, तो जैसे आप ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादातर डिफाइन ये कर होता रही है हैं, कि वो अकेले तो इसमें ये बैठे भी, ही मुस्कुरा रहे। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जेनेटिकल भी होती है, कि अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकती है। इज दैट ट्रू? जी, अब हम आगे तब इसके कॉजेज और इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज एक्सप्लेन की जाएगी कि ऑल ये राइट इस तरह से होता है। ठीक है, फिर हम जब मैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, फिर इसमें मैनिक एपिसोड्स में काफी रेकलेस बिहेवियर होता है, और एक्सेसिव जो टाइम लेते हैं अपने किसी भी डिसीजंस को बनाने के लिए, अपने बिहेवियर को किसी के एंगेज करने के लिए। हाइपरसोमेनिया जब होता है, हाइपरसोमेनिया में जो है वो आपका एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं। वो ज्यादातर जो है उसके अंदर सिम्टम्स ऐसे आ रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी कभी बहुत इंक्रीज हो रही है, कभी बहुत डिक्रीज हो रही है। नीड फॉर स्लीप, आपकी कभी नींद इतनी आएगी कि आप सारा दिन वो पर्सन सोया रहेगा, और कभी बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो पर्सन को इस कंडीशन में फिर पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं हम इसके कॉजेस के ऊपर, जो क्वेश्चन आपने किया कि दैट जेनेटिक्स भी आते हैं इसके अंदर। जी जी एग्जैक्ट जी कॉज ऑफ बाइपोलर तो अभी तक अनक्लियर है, लेकिन जेनेटिक्स भी इसके अंदर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। वो इस तरह कि अगर कोई एविडेंस है, समटाइम ट्विंस जब होते हैं तब भी ये कंडीशन होती है कि एक बच्चे को अगर ये इश्यू है तो दूसरे को भी हो सकता है। ऑल राइट 40% आइडेंटिकल ट्विन जो है ना, उनके जीन सेट के अंदर कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर नजर आ सकता है, अगर उनकी फैमिली में किसी को साइकोलॉजिकल इश्यू रहा हो। तो ठीक है, ये फिर एक 10% चीज, जो अगर है वो चांसेस है। अगर ट्विन बेबीज हैं, ठीक है, तो यही चीज आप मुझे जी बताइएगा जी कि जी दोनों में कैसे फॉल करेगी, मतलब अगर एक में ज्यादा हो दूसरे में कम हो, और दूसरे में मतलब दोनों में इक्वल भी हो सकती है या उसकी रेशो कम और ज्यादा भी जी हो जी सकती है। कम ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक में उसके सिम्टम्स ज्यादा जल्दी और क्लियर आपको नजर आ गए, दूसरे में नहीं नजर आए। मे भी हो सकता है एक की कैपेबिलिटी उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर लेने की या उनको हैंडल करने की, मैनेज करने की ज्यादा है, और एक में एबिलिटी बहुत कम है। इस तरह होता है, इसको तो फिर वो न्यूबॉर्न डिसीजन बेबी पे, इसको हम न्यूबॉर्न बेबी पे जज कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए और इसका ट्रीटमेंट भी हम। नहीं। मैंने आपको पहले भी एक चीज एक्सप्लेन की कि हम जो है ना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 18 इयर्स के बाद ही सही तरीके से डायग्नोज होते हैं, एग्जैक्टली, मैं यही तो पूछना न्यू चाह रही बॉर्न थी कि बेबी जैसे नहीं हमारे पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, हमारा एक ये होता है कि जी। जी पहला बच्चा पैदा कर लिया तो दूसरा बच्चा खेलने के लिए पैदा कर लो, ठीक है, तीसरा बच्चा जोड़ी कंप्लीट करने के लिए पैदा कर लो, तो हमारे बच्चे बच्चों पे जो उस तरह से सही है, माँ बाप तवज्जा नहीं देते, तो उन्हें नहीं पता चलता कि उनके बच्चे क्या कर रहे यस, हैं, कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है या कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मार पीट कर रहा है, तो वो उसको मार पिटाई से या इस तरह से बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स के लिए आप ये क्या सही पेरेंट्स को अवेयरनेस देना चाहेंगी कि वो कैसे अपने बच्चे को जज करें, क्योंकि डेफिनेटली जैसे आप कह रही हैं कि 18 इयर्स है। के पहले बाद तो ही आप इसको जज कर सकते हैं, तो जो पेरेंट्स के लिए आप कोई मशवरा ठीक देना है, चाहें कि वो तो अपने जी बच्चों पे फोकस करें। पहले तो सबसे पहला फोकस तो होना चाहिए कि कम से कम भी 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, थ्री ऑल राइट इयर्स का गैप होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद, क्योंकि 3 से 4 साल का जब बच्चा होता है, तो थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है उसको, अपने बारे में नो हाउ हो जाता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है। समटाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खुद से खाना पीना भी शुरू कर देते हैं और बिल्कुल चलते फिरते हैं इतना ज्यादा, पर फिर उनका वो फोकस बर्डन नहीं था।
लेकिन फिर भी उन्हें अटेंशन की जरूरत होती है, लेकिन होना यही चाहिए कि 3 इयर्स का गैप हो और उसके बाद साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो प्रॉपर टाइम दे। पेरेंट्स को चाहिए अपने दरमियान उनके कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, बच्चों के सामने जो अपने आप को हमारे बिल्कुल हमारे क्लियर नॉर्मल सेटल हमारे रखें। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, और अब तो ये भी देखने में आया कि बगर फैमिलीज जो है इलीट क्लासेस भी है वो भी बच्चों के सामने ही मेरे लड़े होते हैं, ख्याल तो बड़े इसका बच्चों फैमिली पे में बुरा देखा असर, बुरा बड़े इम्पैक्ट पड़ता फैमिली है। से ज्यादा होता है। उसमें ये होता है बड़े फैमिली में माँ बाप जो है वो अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, अपना ही बिजनेस में मगन है, अपनी जो है वो स्टडी अपनी पार्टीज में मगन है, और ना मदर का अपने कि वो केयर गिवर्स को बच्चे दिए हुए हैं, केयर गिवर्स अपनी मर्जी से बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रही है। कुछ केयर गिवर्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी परवरिश करती है, लेकिन कुछ केयर गिवर्स बड़े केयरलेस होती हैं, वो बच्चों पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान नहीं दे रही बगैर होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, बगैर वो बस ट्रेनिंग के जो जो नैनीज है रखी वो जाती हैं, बगैर पैसा उनके काम आता है। किसी ऑथेंटिसिटी के नैनीज रख ली जाती है या जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, तो फिर हमने अक्सर ये केसेस भी देखे हैं कि वो मारपीट भी बच्चों के साथ करती हैं और बच्चों को मिसयूज भी किया जाता है। जैसे अब्यूज में आप देख ले बच्चों को, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लड़कियां नहीं बता पाती कि हमारे साथ कुछ ये चीजें हो रही हैं। जिस तरह हमारे एक वो होता है ना कि बैड और गुड टच हम बच्चों के साथ खुल के डिस्क्राइब नहीं करते, तो जी उन्हें जी बिल्कुल टाइमली खुद से समझ आ जाएगा। जी तो जी ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हम लोग नैनीज जी रखते बिल्कुल आप सही। वक्त या केयर टेकर रखते वक्त नहीं देखते, जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मुझे अब आप इसके बारे में जी बताइएगा कि बिल्कुल आप ऐसा ही इसके पेरेंट्स लिए क्या क्या अपने चीजें यूज करते हैं या किस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं या कौन से ऐसे आपके टेस्ट होते हैं जिससे आप ये ट्रीटमेंट जी। पहले तो हम जो है वो इसकी डायग्नोसिस जब करते हैं ना, तो हमारे कुछ रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर हम वो जब हम पूरे उसको देखते हुए सारे सिम्टम्स को मैच करते हुए कि स्किजोफ्रेनिक डिसऑर्डर तो नहीं है, स्किजोफेनिया की तरफ तो नहीं जा रहा, स्किजोफॉर्म की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं इसके अंदर मैच हो रहा, डायग्नोसिस करते हुए पहले तो हम वो सारी चीजें चेक करते हैं। उसके बाद फिर जब हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं कि दैट इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। बाइपोलर 1 में हम जो है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड सेवेरिटी होती है बाइपोलर 1 की, क्योंकि ये डिप्रेसिव एपिसोड्स में आता है। इसका ट्रीटमेंट ऑफ जो इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना, वो हम मूड स्टेबलाइजर्स के जरिए और हम एंटी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के जरिए ही जो है वो पर्सन को मेडिसिन भी दे रहे होते हैं और उसके साथ साथ थेरेपी भी कर रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं ताकि उसके जो मैनिक एपिसोड्स के ट्रिगर्स हैं उनको हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके जो है हाइपोमेनिया और मेनिया के सिम्टम्स को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस से वो गुजर रहे हैं, उनका बैक ऑफ ट्रिगर क्या है, उनके इसके एकदम सीरियस हो जाने प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी मूड चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर हम पहले सवेयर को माइल्डर पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्यूरेटली हम जो है ना उन पर्सन के अंदर उनकी जैसे बच्चे की परवरिश दोबारा कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल दोबारा चीजें सिखाएं, इस तरह की हम उसे दोबारा चीजें सिखानी शुरू करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली और सेटल डाउन करके जिंदगी आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो अपनी उस बीमारी के अंदर अपने आप को एक तो बहुत वीक कर चुके होते हैं और बहुत सारी चीजों को वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोपिंग स्टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर पर्सन इतना है वो प्रॉब्लम से तो वो फिर खुद भी अपने स्टेप्स लेता, कोपिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को डिवेल्प करने से रोकने के लिए हमारी भी हेल्प करता है, ठीक है। वो ऐसे जो है वो अपने स्टिग्मा से खुद फाइट करता है, अपने प्रॉब्लम फाइट करता है कि नहीं मुझे ये चीज छोड़नी है, मुझे इस चीज से निकलना है, मुझे मेरी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है। अब बाइपोलर इन चिल्ड्रन की बात हुई थी, वैसे कुछ रिसर्च में ये है बताया गया है कि जो बाइपोलर है ना वो किसी भी एज में एनी एज ऑफ द किड्स में हो सकता है। किड्स वो मतलब अगर हम 5
6 साल के बाद देखेंगे, 6 साल के बाद। सही। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो केयर गिवर का होता है और पेरेंट्स का होता है, कि वो देखें बच्चे के अंदर कौन कौन से यूनिक साइंस आ रहे हैं, फिर उसकी कौन पे उनके ऊपर अटेंशन दें, उनकी फैमिली हिस्ट्री चेक करें कि डिसऑर्डर कहीं फैमिली में से किसी पर्सन को तो नहीं है, फिर उसके सिम्टम्स को मैनेज करें और फिर ट्रीट करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से कंसर्न करें। बच्चों में कोप करवाना आसान होता है क्योंकि बच्चों का दिमाग अभी जो है वो बन रहा होता है, तो उनके जी दिमाग के बनने की वजह से उनकी पूरी ग्रोथ हो रही होती है, तो हम उनको जल्दी उस चीज को हम सेटल डाउन कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं, जबकि एक बड़े पर्सन को, एक मैच्योर पर्सन को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर किसी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो लोग ये समझते हैं कि उसके ऊपर कोई जादू हो गया है, उसके बिल्कुल ऊपर कोई बिल्कुल। साया आ गया है, और उसके ऊपर हम कोई जिस सोसाइटी ऐसी में चीज आ गई है। हम जिस सोसाइटी में हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहां पर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब कि एक इंसान पागल है, ठीक है, तो वो पागल है, वो जी तभी बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि मतलब जो हमारी पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरती क्यों है। कोई इंसान पागल नहीं होता, आप ये कह सकते हैं कि जी जो बिल्कुल ऐसा ही है। आपका आपके दिमाग की तारे हैं ना, वो थोड़ी कभी कभी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिस्ट और बिल्कुल साइकेट्रिस्ट ऐसा के पास मूव करना पड़ता है। जैसे आपको बुखार हो बिल्कुल जाता है, या ऐसा आजकल आपको तो लंग डिजीज हो जाते हैं, या आपको हार्ट अटैक हो जी जाता है, तो जैसे उधर डॉक्टर के बिल्कुल पास आपने जाना है, तो यहाँ पर भी आपने अपने दिमाग के लिए डॉक्टर के पास जाना है। ये कंसर्न हमारा जो है कि ये बिल्कुल पागल हो गया है, या इस पे तावीज हो गया है, या इसको चुड़ैल चिपक गई है, मतलब इस तरह की जो ये मिथ्स हैं या इस तरह ऐसा ही है। की, इनको हमें खत्म करना है। देखिए आप आजकल जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल ताकि लोगों को ये चीज दी जा सके कि आप इस चीज से बाहर आए जितना हो सके। और दूसरा साथ साथ देखिए, अगर आप किसी, आजकल तो इस तरह होता है कि स्कूल वाले, सम अच्छे स्कूल्स जो हैं, अच्छे कॉलेजेस जो हैं, वो खुद साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग करवाते हैं। और बिल्कुल आजकल तो ये चीज इतनी आम हो चुकी है कि आप तो ऑनलाइन आपको हर चीज मिल जाती है, अगर आप फिजिकली बिल्कुल। अब नहीं भी तो जाना आपके चाहते, आप पास अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी कंसल्टेंट मौजूद आइडेंटिटी हैं, आपके चेंज पास करवाना ऑनलाइन चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, आप उनसे कनेक्ट जी कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही। आप अब यहाँ तक कि अब तो ऑलमोस्ट चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, किसी एक केस को दूसरे के साथ डिस्कस नहीं जी किया बिल्कुल। जाता, एक पेशेंट को दूसरे के साथ डिस्कस नहीं किया जाता। देखिए जैसे जैसे डॉक्टर है ना, वो जब अपना ओथ लेते हैं ना, तो वो ओथ लेते हैं कि हम अपनी जो है इलाज के दौरान हम कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं देखेंगे, हम छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, हम गरीब अमीर नहीं देखेंगे। इसी तरह हम भी अपना जो है, जब स्टडी करते हैं तो हमें भी ये चीज सिखाई जाती है, हमें भी ये ओथ दिलवाया जाता है कि हम किसी की जजमेंट नहीं करेंगे, हम किसी को जज नहीं करेंगे, हम किसी की बात, एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन से शेयर नहीं करेंगे, हम अपने पेशेंट के बारे में, आने वाली क्लाइंट के आने वाली हर बात को अपने अंदर कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ये चीज तो आजकल बड़ी नॉर्मल है। आप अगर अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाना चाहते ज्यादा, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, आप वीडियो कॉल पर नहीं आना चाहते, आप वॉइस कॉल पर अपनी कंसल्टेशन लें, आप अपनी अंदर के मसले को डिस्कस करें, आप बेशक एक साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, उससे बात करें, उसको जो बिल्कुल है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें साइकोलॉजिस्ट, और बिल्कुल उससे आप बात मुझे ये करें कि भाई मेरे बताइएगा, साथ नहीं हो। जी आप मुझे ये जी बताइएगा जी कि अगर हमारे किसी क्लाइंट ने आपसे कांटेक्ट करना हो, आपसे रहनुमाई लेनी हो, आपसे गाइडलाइन लेनी हो, या आपसे कंसल्ट करना हो, तो वो आपसे कैसे रابطہ कर सकते हैं। मेरे मेरे साथ कंसल्ट करने का सीधा तरीका है, मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास मौजूद है, मैं आपको भेज भी दूंगी लिख कर, ताकि आप उसे अटैच करना चाहें तो कर के साथ, और उस नंबर पर आप मेरे साथ मैसेज करते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। और मेरी छोटी सी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अपना नेम, अपनी एजुकेशन, अपनी सिटी, और आपको उस टाइम और फील होने वाले कुछ सिम्टम्स, और साथ में कॉल टाइम आप मुझे लिखकर शेयर करते हैं, और एक स्मॉल सी फी है जो कि मैं अटैच करती हूँ साथ, जो आप मुझे पे करते हैं, और फिर उसके बाद आप जिस टाइम चाहें उस दिन उस टाइम पर मैं आपको कॉल सेशन पर अवेलेबल हो सकती हूँ।
सीधा सीधा दैट सा इज वेरी तरीका है गुड। आप इस इसी तरह के साथ हम वाइंड अप करते हैं, और थैंक यू सो मच मिस अरीबा, आपने जिस तरह से बाइपोलर को डिस्क्राइब किया, हमारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश की, हमारे पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये चीज समझ में आएगी, हमारा जो माशरा है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच, जी आपका इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपने मच। हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही सेशंस आपके लिए दोबारा लाते हैं।